आपने सुना होगा हुजूर ने सूरह रहमान के बारे में फरमाया है, सूरह रहमान उरूसुल कुरान, ये सूरह रहमान जो है ये कुरान की दुल्हन है। जैसे दुल्हन को आप खुशनुमा लिबास पहनाते हैं, आरास्ता पैरास्ता उसको गहने और उसको जेवर पहनाते हैं, तो जिस तरीके से सजाते हैं आप दुल्हन को, अल्लाह ताला ने एक सूरत कुरान मजीद में ये ऐसी रखी है सूरह रहमान की, उसे खूब सजाया है। इसमें अल्फाज का दरोबस्त, इसका अपना एक डिवाइन म्यूजिक है, वो तो अल्लाह ताला कुर्रा जो है खास तौर पर मिस्र के कुर्रा, अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजिल फरमाए, उनकी खताओं से दरगुजर करे। जिस तरह कुरान के इंट्रिंसिक म्यूजिक को इन्होंने वाज़े किया है, वाकया ये है कि अगर ये लोग ना होते, शेख अब्दुल बासित मोहम्मद अब्दुल समद, शेख महमूद खलील हुसरी, ये लोग जिन्होंने कुरान के इस गिना म्यूजिक, ये लफ्ज जो है आप हैरान ना हो कि मैं ये कुछ तौहीन कर रहा हूं कुरान की, हुजूर ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है तगन्नू, इस कुरान को अच्छी से अच्छी खुशहानी के साथ पढ़ो, मन लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान को बेहतर से बेहतर अंदाज में अच्छी से अच्छी आवाज में खुशहानी के साथ पढ़ने की कोशिश नहीं करता वो हम में से नहीं है। बल्कि एक मरतबा हुजूर रात के वक्त आप गश्त पर थे अपने साथियों के हालात मालूम करने के लिए, हजरत अबू मूसा आशारी रजी अल्लाह तआला एक सहाबी हैं, उनके घर के पास से गुजर हुआ, वो रात को तहज्जुद पढ़ रहे थे, खड़े हुए कैफ के आलम में कुरान तिलावत कर रहे हैं, हुजूर को बहुत पसंद आई उनकी किरात, काफी देर तक वहां खड़े सुनते रहे। अब उन्हें क्या पता कौन सुन रहा है, बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिए, एक बात याद आई है, हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह कान लगाकर अल्लाह कुरान को सुनता है किसी चीज को नहीं सुनता, हमें नजर नहीं आता ना, हमें मालूम नहीं, हम कुरान पढ़ रहे हो तो सुनने वाला कौन है, सबसे ज्यादा कान लगाकर खुद अल्लाह। यहां इसलिए मुझे याद आया कि अभी मूसा अशअरी को क्या पता था कि कौन सुन रहा है, वो अपनी कैफियत में नमाज में तहज्जुद में कुरान की तिलावत कर रहे थे, और जाहिर बात है उनके घर एकड़ों में बने हुए नहीं थे, एक एक कमरा एक एक कोई हुजरा ऐसे ही तो घर घर थे ना सहाबा के, लिहाजा हुजूर पास से गुजरे आवाज आई, काफी देर सुनते रहे, उसके बाद आप तशरीफ ले गए, सुबह फजर में मुलाकात हुई तो हुजूर ने तहसीन के अंदाज में फरमाया, या अबा मूसा इन्नका कद उतीत मिज़मारन मिन मज़ामीर आले दाऊद, ऐ अबू मूसा तुम्हें तो आले दाऊद के साजों में से एक साज अल्लाह ने अता फरमा दिया है। जिस तरह हजरत दाऊद लहने दाऊदी मशहूर है कि जब वो पिछले पहर रात को हम्द के तराने अलापते थे, कुरान में है कि परिंदे शामिल हो जाते थे साथ और पहाड़ वजद में आते थे, पहाड़ भी उनके साथ शरीक होते थे, तो जिस तरह का अल्लाह ने उनको लहन अता फरमाया था, हुजूर ने तहसीन के अंदाज में फरमाया है अबू मूसा शरीक अल्लाह ने तुम्हें भी आले दाऊद के साजों में से एक साज अता फरमाया। बहरहाल कुरान मजीद का जो ये म्यूजिक है, कुरान के अल्फाज का जो हुस्न है, जहां तक हुस्न मानवी है वो तो हर हर लफ्ज में है, लेकिन ये हुस्न जाहिरी, हुस्न सौती, हुस्न लफ्जी, ये अपने क्लाइमेक्स पर आपको नजर आएगा सूरह रहमान में। लेकिन कुरान में ये सूरत इस एतबार से भी मुमताज है, इसकी चार आयात पर जरा तवज्जो करेंगे, अजीब हकायक सामने आएंगे। जहां ये कुरान मजीद के हुस्न सौत और हुस्न लफ्जी का की मेराज है, वहीं इसकी पहली चार आयात में चार चोटी की चीजों का जिक्र है, सबसे ऊंची चीजें। पहली आयत क्या है? अर्रहमान, एक आयत हो गई। रहमान क्या है? अल्लाह का नाम है। कभी आपने गौर किया अल्लाह के नामों में सबसे प्यारा नाम कौन सा होगा? रहमान। क्यों? इसका मादा क्या है? रहमत। हमें सबसे बढ़कर जिस चीज की जरूरत है वो क्या है? रहमत खुदाबंदी। नाम अच्छी तरह सुन लीजिए इस हुजूर के कौल को। हुजूर फरमाते कोई शख्स जन्नत में मुजर्रद अपने अमल की बुनियाद पर दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक कि रहमत खुदाबंदी दस्तगीरी ना करे। किसी सहाबी ने बड़ी हिम्मत और जुरत का सबूत दिया कि पूछ लिया, क्या हुजूर आप भी? जब आपने फरमाया कोई शख्स दाखिल नहीं हो सकता जन्नत में महज अपने अमल की बुनियाद पर जब तक कि रहमत खुदाबंदी जो है वो दस्तगीरी ना फरमाए। पूछा गया क्या आप भी? आपने फरमाया हाँ मैं भी। आप अंदाज कीजिए कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी रहमत खुदाबंदी के जरूरतमंद हो तो ताबे दीगरा चे रसद, हमारी तो सबसे बड़ी जरूरत रहमत खुदाबंदी है। अब ये रहमत जो है कुरान मजीद में अल्लाह ताला की ये शान दो अल्फाज के जरिए से आती है, रहीम और रहमान, और कोई मादा नहीं है जिससे दो नाम बनते हो अल्लाह के।
لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحیم صفت مشبہ ہے, رحمت دائم ہو جائے گی, مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے. اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو, ہیجان کی کیفیت, طوفانی کیفیت, رحمت خداوندی کا طوفانی جوش, وہ ہے رحمان. آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں, آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا, انا جوعان, پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان, بہت غضبناک ہوگا غضبان. غضبان عاصفہ قرآن میں آیا ہے, بہت غضبناک. رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے, ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند. تو یہ اللہ تعالی کے ناموں میں سب سے پیارا نام. اب آگے چلیے, الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر, رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے. ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے. اچھا آپ یہ سوچئے, جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے. سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے. علم آدم الاسماء کلہا, وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں, یہ اسی کا ظہور ہے, یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی. اور دو اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے. لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن. نوٹ کرتے جائیے, اب چوٹی کی چیزیں جمع کیجیے. اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان, اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن. خلق الانسان, انسان کو پیدا فرمایا. سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کیے؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس, اس کی تخلیق کی معراج, اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے. یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ